हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल मींगी पाक। जन्माष्टमी पर मींगी पाक का बहुत बड़ा महत्व है, ये अधिकतर घरों में बनाया जाता है। तो आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मींगी पाक बनाने के लिए जिन जिन सामग्रियों की ज़रूरत है वो ये है: खोया, खरबूजे के बीज, मखाने, बादाम, काजू, चिरौंजी, किशमिश, नारियल का बुरादा और मोटा कटा हुआ नारियल। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खोए को हल्का सा भूनेंगे। ये मैंने मार्केट का खोआ लिया है और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। ये खोआ हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में घी गरम करेंगे। अब घी में हम डालेंगे काजू और बादाम और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। हम कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट किए हुए का टेस्ट अच्छा आता है। जन्माष्टमी की पूजा में पाक का बहुत बड़ा महत्व है। आपके घर में कोई भी मेवा हो, पंचमेवा हो, आप अपनी श्रद्धा से कोई भी भोग लगा सकते हैं। कान्हा जी को सब पसंद आता है। अब ये काजू बादाम हल्के से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब कटा हुआ गोला, खरबूजे के बीज और किशमिश को डालकर हल्का सा रोस्ट करना है। गैस के फ्लेम को स्लो ही रखना है। अब इनको चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। बीज जब चटकने लग जाए तो समझो कि ये रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। इसी घी में मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर देती हूँ। अब मैं इन मखानों को भी रोस्ट करूँगी। इसे भूनने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। क्रिस्पी होने तक हमें इनको भूनना है। मखाना हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये मखाने क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम काजू और बादाम को दरदरा पीस लेते हैं। अब हम मखानों को भी दरदरा पीस लेते हैं। चिरौंजी को हमें नहीं पीसना है। पाक बनाने के लिए सारी मेवा हमारी पूरी तरह से रेडी है। अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ लूँगी 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी। चाशनी हमें एक तार की ही बनानी है। अब चाशनी में मैं डालूँगी इलायची पाउडर। चाशनी को हम इस तरीके से चेक करेंगे कि लास्ट वाली ड्रॉप एक लंबे तार के साथ गिरेगी। चाशनी हमारी रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे खोया, जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। खोया हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स और जल्दी से इन सबको मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और तलवा छोड़ने लग गई है। अब मैं इस बर्तन में इसे निकाल लूँगी जिसमें मैंने पहले से घी लगा कर रखा है। अब हम इस तरीके से दबा दबा कर इसे सेट करेंगे। अब हम इसे कटे हुए पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे आधा घंटे के लिए हम जमने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसमें कट लगा देंगे। कट लगाने से ये आसानी से निकल आता है। पाक के इस तरीके से हम पीस बनाकर निकाल लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी, आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं कि हमारी मिंगी पाक कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हमारे भोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। भोग लगाने के बाद आप सभी इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।